और आज हमें मिले हैं लिटिल काका भाई। भाई ये बहुत ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी भाई के 1.1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 9 लाख होने वाले हैं और फेसबुक पे भी 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है भाई के। तो भाई से हम कुछ सवाल पूछेंगे आज और जानेंगे भाई के बारे में और ज्यादा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल ये कि भाई इन्फ्लुएंसर आप बन गए हो, मतलब बड़े आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको कैसा फील होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भाई पब्लिक में जैसे हमें तो भाई ऐसा लगता है यार आपका भाई से मिल गया भाई दिन बन गया, मतलब आपको कैसा फील होता है कि यार लोग जानते हैं आपको सब कुछ है? मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी से मिलकर और आप इतना प्यार देते हो, मुझे बहुत बेटर फील होता है। और एक सवाल ये था कि भाई जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी लाइफ क्या चकाचौंध वाली होती है बहुत, है तो आपकी लाइफ में कोई बदलाव आया है जैसे पहले की जो लाइफ थी और आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ चेंज आया है पहले से कि भाई पहले कैसा था आप कैसा, कुछ बताओ इस बारे में? मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, मैं जैसा था शुरू से वैसा ही हूँ और जो मेरे दोस्त सैम पहले थे और वही मेरे आज भी दोस्त हैं और मैं नए नए दोस्त बनाना पसंद करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है नए दोस्त बनाना और मैं कभी चेंज नहीं होने वाला। और जैसे बंदों की लाइफ में चेंज ऐसा आता है कि यार पैसा डिविजन आता है तो थोड़ा एटीट्यूड बढ़ जाता है उनमें, ऐसा भी नहीं होता एकदम सिंपल ही एकदम डाउन टू अर्थ? नहीं, मैं खुदा से भगवान से बहुत डरता हूँ, मैं कभी ऐसा चेंजिंग लाने नहीं वाला और ना ही कभी मैं ऐसा सोचा बस ना ही कभी, सिंपल रहना। और भाई जैसे आपकी फैमिली में जो आपके मतलब पेरेंट्स होंगे भाई बहन होंगे, तो जैसे जब आपका स्ट्रगलिंग फेस था तो उस टाइम में और जब आप फेमस हो चुके तो इस कोई फ़र्क है, मतलब सपोर्ट करते हैं वो? पहले थोड़ा सा बोलते थे कि मतलब क्या कर रहे हो ये, क्या क्यों कर रहे हो, बट अब उनको अच्छा लगता है, मतलब आप बोलते करो। हाँ वो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आ रही वीडियो, अगर जैसा कभी कभी नहीं पूछ पाता मैं तो बोलते हैं फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं करो अब मैं पीछे करें भाई। बहुत बढ़िया। और लोग भी ना अक्सर ये पूछते हैं कि आज जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनका 1 मिलियन से ऊपर स्पेशल, मतलब मैंने तो देखा है लोग 2.5-2.5 लाख पे मतलब बहुत ऊपर चले आते हैं, तो जैसे आपके 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे भी 1 मिलियन ही है लगभग और फेसबुक पे भी है, तो आपका मतलब थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं कि इनकम मतलब कैसी हो जाती है? इनकम का तो मैं क्या ही बताऊँ, इनकम का तो मतलब अलग ही सीन है सबका, मतलब होता क्या है उसमें ये नहीं होता कि फिक्स होता है कि सैलरी आती है, पैसा नहीं है उसमें, सबका हट के होता है, एक ग्राफ बनता है मंथली। मतलब जैसे आप 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं आपके इंस्टाग्राम पे, तो कोई जैसे ब्रांड वगैरह होते हैं उसके प्रमोशन वगैरह भी आते हैं? हाँ इंस्टाग्राम पर प्रमोशन मैं करता हूँ, सॉन्ग प्रमोशन करता हूँ, बाकी अदरवाइज उल्टे सीधे प्रमोशन नहीं करता, जो मेरे फैंस हैं उनको हर्ट फील हो, बट मैं ऐसा प्रमोशन करता हूँ जो मुझे बेटर लगता है। और लोगों की मतलब जो हमारे फैंस हैं और जो आपके भी फैंस हैं वो ये बहुत जानना चाह रहे हैं कि भाई जैसे आप भाई इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, मतलब लड़कियों का क्या सीन है भाई, मतलब गर्लफ्रेंड तो बहुत होगी यार आपकी बहुत ज़्यादा? गर्लफ्रेंड होना मतलब ये तो कोई बात नहीं है, मतलब है या नहीं है, कहने का मतलब यह है कि मैं सिंगल हूँ और दूसरी बात अभी मुझे लाइफ भाई, तो हमारे भाई सिंगल है और अब DM भरने वाला भाई का इंस्टाग्राम का DM गज भर जाएगा। तो जैसे कोई प्रपोजल वगैरह भी नहीं आते? प्रपोजल भाई बहुत आते हैं बट मतलब वही है ना, एक अंदर से इच्छा नहीं होती, एक टारगेट बना रखा पहले कामयाबी, फिर बाकी घर वाले जो चाहते हैं तो घर वालों को अच्छा लगता है। और एक पर्सनल सवाल अगर आप बताना चाहें कि जैसे हर किसी लड़के की लाइफ में होता है कि एक टाइम जैसे शुरू शुरू में जब बंदा 14-15 साल का होता है कोई लड़की से अच्छी लगती है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा था कोई पहले? हाँ थी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था तो उन्हें छोड़ दिया है, अब हमारी लाइफ अलग हो गई। तो अब वो आप वो जानते हैं कि आप मतलब इतने फेमस हो चुके हैं, ये सब जानते हैं? हाँ वो वीडियोस देख के फॉलो कर रखा है। ओ भाई तो अब मैसेज वगैरह आता है या फिर? मैसेज आता है बट मैं रिप्लाई नहीं देता। तो वही वाली बात होगी, अब मैं बात नहीं करता है। नहीं यार, जिसने बुरे वक्त का साथ छोड़ दिया तो फिर क्या ही उसका साथ पकड़ना है, वो तो कभी फिर अभी भी आके मान लो
लाइफ है, लाइफ में डाउन टू और आपको ये चलता रहता है, फिर दोबारा आ गया तो फिर छोड़ के चली जाएगी, तो ऐसी बंदी का क्या ही चाहिए मुझे, वो चाहिए तो बुरे वक्त में खड़ी रहे। सही है, बहुत बढ़िया बात कही है भाई। एक बात मतलब हमारे फॉलोवर और आपके फॉलोवर जो हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि कुछ अलग झटके भी आ रहा है क्या, कुछ अलग सॉन्ग आ रहा है क्या, सुना है सॉन्ग? सॉन्ग अभी पीछे का गाना आया मेरा जो पे पहले बिल्लो सॉन्ग है, और आप सर्च करोगे MTV नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, बिल्लो लिटिल काका सर्च करोगे तो आ जाएगा, बिल्लो सॉन्ग लिटिल काका सर्च। और जैसे हम अभी इस टाइम CP के सेंट्रल पार्क में खड़े हुए हैं, तो अभी हम मॉर्निंग में मिले थे भाई से, तो मॉर्निंग से अब तक हो चुके हैं मतलब 5-6 घंटे हो चुके हैं, तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक में आप आते हो तो पब्लिक में आपको लगभग हर कोई बंदा, मुझे तो ऐसा लगता है हर कोई बंदा जानता है, तो हर कोई बंदा सेल्फी लेने के भी तो भाई सेल्फी दो सेल्फी दो, तो परेशान नहीं होता बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं होता, मुझे तो और अच्छा लगता है कि वो पब्लिक मेरे लिए टाइम निकाल कर आ रही है, मुझे पसंद कर रही है, तो मैं मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है भाई। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, मैं ये रिवील करना चाहता हूँ, भाई ने अपना नंबर भी दे दिया, मैं एक मुलाकात में इतने बड़े फैन बन गया हूँ मैं भाई का, बहुत बड़ा। अरे फैन मतलब भाई, भाई दिल से तो भाई दिल जीत लिया भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।